Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of business studies, we will continue the topic financial markets, and in the previous videos we have already discussed about the capital market and money market, and today we will discuss about the stock exchanges. So what is stock exchange and how it functions, we will discuss about it in today's video. So a stock exchange is an organized market where securities issued by companies, government, organizations, etc. are sold and bought. That is shares, debentures, bonds, etc. as per the prescribed rules. तो stock exchange होता है जिसको जो एक संगठित बाजार होता है जहाँ पर securities जिसको हम share, debenture, bonds कह सकते हैं वो companies के द्वारा issue की जाती हैं, जारी की जाती हैं, या सरकारी संगठनों के द्वारा जारी की जाती है, या government के खुद के द्वारा जारी की जाती हैं और उनको वहाँ पर खरीदा और बेचा जा सकता है. तो stock exchange एक इस तरह का ऐसा system है जहाँ पर अगर किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, वो वहाँ पर जो है पैसे को इकट्ठा कर सकती है सिक्योरिटीज़ को जारी करके. तो स्टॉक एक्सचेंज जो है एक सिस्टम या एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है. तो स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स क्या हैं? स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. तो एक संगठित बाज़ार है, एक सिस्टमेटिक मार्केट है जहाँ पर हर काम जो है एक सिस्टम से होता है. बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो, कोई भी काम होगा उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके कंपनीज जो है वो पैसे जो है या फंड्स रेज कर सकती हैं या इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. इट डील्स विद द सेल ऑफ दो सिक्योरिटीज़ विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही सिक्योरिटीज़ यानी कि वही शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स को बेचा या खरीदा जा सकता है जो कि उसमें लिस्टेड है. तो जो इशू किए गए हैं उन्हीं कंपनियाँ वही कंपनियाँ शेयर इशू कर सकती हैं या सिक्योरिटीज़ बेच सकती हैं जिन्होंने लिस्टिंग वहाँ पर करवाई हुई है. देन कंपनीज और इन्वेस्टर्स हैव टू फॉलो द रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. तो कंपनी जो है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए साथ ही साथ कंपनीज के लिए भी रियल जो रूल रेगुलेशंस है वो बनाती है, नियम बनाती है, ताकि सिस्टमेटिकली जो है जो काम जो है संगठन उसमें स्टॉक एक्सचेंज में चलता रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए. तो सभी को जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं शेयर सिक्योरिटीज़ के मार्केट में काम करते हैं सभी को उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. इन्वेस्टर्स हैव टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ओनली थ्रू द रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है एजेंट नहीं बन सकता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है. तो जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं, सदस्य हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, उन्हीं के माध्यम से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ को यानी कि अपने शेयर्स या जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है शेयर्स में की है या डिबेंचर्स में की है, वो उनको सिर्फ रजिस्टर्ड मेम्बर्स जो हैं उन्हीं के माध्यम से बेच और खरीद सकते हैं. तो ये तो स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएँ हो गई. अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या काम करती है. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी इन द मार्केट. तो स्टॉक एक्सचेंज जो है मार्केट में तरलता बनाए रखती है. तरलता मीन्स कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश. तो इन्वेस्टर्स कैन इजीली कन्वर्ट देयर सिक्योरिटीज इन टू कैश एंड इजीली सेल और परचेज सिक्योरिटीज इन द मार्केट. तो जो शेयर्स हैं या जो हमारी सिक्योरिटीज हैं उसको इन्वेस्टर्स कभी भी अपने कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि उन्हें जब पैसे की ज़रूरत हो तो उसको कभी भी वो बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं मार्केट से, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी समय वहाँ पर सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं. तो इस तरीके से उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वहाँ पर हमेशा तरलता में जो लिक्विड फॉर्म में जो है हमेशा कैश जो है उसकी अवेलेबिलिटी रहती है, जिससे कि आसानी से इन्वेस्टर्स जो हैं अपने सिक्योरिटीज़ को बेच पाएँ. देन स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट विच प्रोवाइड सेफ्टी टू द इन्वेस्टर्स. तो स्टॉक एक्सचेंज का काम ये भी होता है कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं कंपनीज़ में, उनको सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो है बहुत ज़्यादा शोषण होने के चांसेस रहते हैं कंपनीज़ के द्वारा या ब्रोकर्स के द्वारा. तो उनको सिक्योरिटी देना, सुरक्षा देना, उनकी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको सेफ रखना, ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है. देन स्टॉक एक्सचेंजेस एक्सचेंज गाइड द इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्चर. सो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ से रूल रेगुलेशन बना के सुरक्षा तो देती ही हैं, साथ ही साथ वो इन्वेस्टर्स को जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़ के बारे में या उनके जो भी उनके काम के बारे में या उनके जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं या उनके जो शेयर्स के वैल्यूज़ हैं वो लेटेस्ट अपडेट उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रदान करती है अलग अलग माध्यमों से, और इन्वेस्टर जो है उनको सुन करके उसके हिसाब से अपना मन बना सकते हैं कि उन्हें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, या अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उन्हें उसमें रुकना है या वो अपने उसमें से वो बाहर निकलना चाहिए उन्हें.
एंड स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्चर, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर, लोगों में इन्वेस्टमेंट की भावना पैदा करना, उनके अंदर एक अपनी सेविंग्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, इस तरह के एक उनके अंदर एक आदत बनाने की भी जो है ये लोग काम करते हैं. देन प्राइसेस ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ आर डिटरमिंड इन स्टॉक एक्सचेंजेस बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. तो स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है सिक्योरिटीज़ को, जहाँ पर उनके प्राइसेस जो है, एक बार जो प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ सेल हो जाती हैं वहाँ पर, तो प्राइसेस जो है कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा शेयर है या जो डिबेंचर है वो उसकी फेस वैल्यू क्या है, कितने में हम उसको बेचना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को फर्स्ट टाइम. उसके बाद जब एक बार शेयर्स या सिक्योरिटीज़ बिक जाती हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में बार बार रीसेल और परचेज़ की जाती हैं. तो कितनी बार भी उनको बेचा या ख़रीदा जा सकता है. तो इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स जो है उनके बीच में आपस में ये सेल और परचेज़ होती है. तो अब प्राइस कितना होगा वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस आपस में जो उनका इक्विलिब्रियम है वो डिसाइड करेगा. तो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म जो है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का वो वहाँ पर प्राइस तय करता है. तो वहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर प्राइसेस जो है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ के ऑटोमेटिकली वो फाइंड आउट किए जाते हैं डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा. देन स्टॉक एक्सचेंजेस हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं जहाँ पर पूंजी का निर्माण होता है, जो देश के जो बिजनेस है उनके लिए कैपिटल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर, और वो उस पैसे को यूज़ करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, नेशनल इनकम बढ़ती है देश की, और जो उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये सब इंक्रीज़ होता है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो ये सब संभव हो पाता है सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से ही. तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर, जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है एक स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि यदि कोई व्यक्ति उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी में अपने पैसे लगाना चाहता है सिक्योरिटीज़ में, वो किस तरीके से लगा सकता है, उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. सबसे पहले एक ब्रोकर जो है, यानी कि एक मीडिएटर या एक बिचौलिया, उसको हम ढूंढते हैं, दलाल इसको हिंदी में कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रोकर रजिस्टर्ड विद द सेबी. तो ब्रोकर कैसा होना चाहिए जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो, और सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को ही हमें अप्रोच करना चाहिए. इज सेलेक्टेड हु विल ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर. तो हम पहले ब्रोकर को सर्च करते हैं. ब्रोकर जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो ब्रोकरेज का काम करती है. तो यानी कि जो है आप किसी मीडिएटर्स को ढूंढते हैं जो आपके लिए ये काम करेगा. तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी ब्रोकर के माध्यम से आपको जो है उसको अप्रोच करना पड़ेगा. वो आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा आपके नाम से, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. तो सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरीज. तो उसके बाद जो है वो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करेगा. तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट, इसको डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन, यानी कि पेपरलेस ऑफ इन्वेस्टर इज ओपन विद द डिपॉजिटरी, NSDL या CDSL. तो इंडिया की अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर है उसका एक अकाउंट ओपन किया जाता है डीमैट अकाउंट, तो डिपॉजिटरी के साथ NSDL, जो इंडिया में दो मेन जो है डिपॉजिटरीज हैं, NSDL जैसे कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. तो इन दोनों में से किसी एक के साथ जो है डीमैट अकाउंट ओपन किया जाएगा. और इन सिक्योरिटीज जो ये जो डिपॉजिटरीज हैं, हु विल कीप ऑल द सिक्योरिटीज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो इनके पास सारे सिक्योरिटीज़ जो है जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनके सारे शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. तो इस वजह से इनके साथ जो है, इनके थ्रू जो है हम परचेजिंग करेंगे, इनसे हम खरीदेंगे यानी के, तो इसलिए इनके साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन होता है. देन प्लेसिंग एन ऑर्डर. उसके बाद एक ऑर्डर प्लेस किया जाएगा आपके द्वारा कि आपने कौन से शेयर्स या किसी डिबेंचर्स में, किस में आपने इन्वेस्टमेंट करना है. तो कितने मात्रा में आपने किस 100 शेयर्स खरीदने हैं, 200 खरीदने हैं, 150 खरीदने हैं, तो जो भी आपने क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे उसके हिसाब से हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. देन आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट एन इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर थ्रू ब्रोकर टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ हिज चॉइस. तो जब डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हम अपने ब्रोकर को जो है ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहेंगे, जो भी हमारी पसंद की सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जिसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ब्रोकर्स के माध्यम से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. देन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर. आफ्टर ऑर्डर इज प्लेस्ड इट इज इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रोकर. एंड जो ऑर्डर प्लेस हो गया है एक बार,
उसको इलेक्ट्रॉनिकली आगे का जो प्रोसीजर है वो ब्रोकर करेगा, और यानी कि उसको जो है सौदे के लिए आगे उसका एग्जीक्यूशन करेगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो आपको इशू करेगा, यानी कि जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो लिखेगा। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो भी टर्म्स कंडीशन है उसमें उसका प्राइस, प्रोडक्ट जो भी आप सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं उसका प्राइस क्या है, और उसकी ब्रोकरेज या उसकी कमीशन कितनी है उसके अंदर, वो सारा डिटेल जो है, डेट और टाइम सब कुछ उसमें मेंशन होगा उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद। उसके बाद सेटलमेंट, आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर, ब्रोकर मेक द डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। उसके बाद जो है आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जितनी भी उसकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू होगी उतना आप पेमेंट करेंगे, और उसके बाद ब्रोकर जो है आपके अकाउंट में उतने डीमैट अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट में उतने ही शेयर्स जो भी आपने खरीदे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, यानी कि आपके अकाउंट में वो चीज़ डाल देगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसीजर किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा जब उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज़ को खरीदना होता है। और बेचने का प्रोसीजर भी इसी तरीके से होता है कि हम जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं और अपनी सिक्योरिटीज़ को जब चाहें बेच सकते हैं। देन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में आप जानेंगे कि सेबी क्या है। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके फंक्शंस क्या हैं और किस लिए ये सेटअप किया गया है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992। तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। इट वॉज सेटअप इन टू कंट्रोल द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया एंड बूस्ट अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि देश की जितनी भी हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है सेबी के, क्यों इसको स्थापित किया गया है? टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द कंट्री। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो देश भर की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उन पर इनका नियंत्रण होता है। टू कीप द चेक ऑन इनसाइड ट्रेडिंग दैट हर्ट्स द इन्वेस्टर्स। तो जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है उसको ये रोकता है। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कई बार कंपनी के ही लोग जो होते हैं, जो हायर पोस्ट पे हैं, हमारी जो डायरेक्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, वो कंपनी के अंदरूनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं, कई बार उसके ब्राइट फ्यूचर प्लान्स होते हैं कंपनी के, जिसकी वजह से उसके जो शेयर्स हैं उसके रेज प्राइसेस हाई जाने के चांसेस होते हैं, या किसी और प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका फ़ायदा उठाकर वो अपनी ही कंपनी में खुद या तो खुद इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि अपने खुद के ही शेयर्स वो खरीद लेते हैं, या फिर अपने उनके कोई नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार को वो जो है खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि वो शेयर्स जो है मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाती है और उसका प्राइस हाई हो जाता है और बाद में उसको बेच करके पैसा कमा सकते हैं। तो इसको कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग, यानी कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन का अंदर के ही लोग फ़ायदा उठाकर जो है उस जो इन्वेस्टर्स के साथ एक तरह से वो चीटिंग मानी जाती है, तो उसको जो है सेबी चेक करती है कि ऐसी कोई भी घटना ना हो या कंपनी इस तरह कोई भी काम ना कर सके। टू कंट्रोल द ब्रोकर्स दैट कैन एक्सप्लॉइट द इन्वेस्टर्स। तो ब्रोकर्स जो होते हैं, दलाल होते हैं, वो मनमानी कमीशंस ना लें, ब्रोकरेजेस ना लें इन्वेस्टर्स से, तो इसका भी ध्यान जो है सेबी रखती है और वो ये चेक करती है कि ब्रोकर जो है किसी प्रकार से इन्वेस्टर्स का शोषण ना कर सकें। उसके अलावा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अधिकारों की या उनके हितों की रक्षा करना भी सेबी का काम होता है। तो ये सारे उद्देश्यों को लेकर के इसका गठन किया गया है, ताकि प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो शेयर मार्केट्स हैं उनको ऑपरेट किया जा सके और इन्वेस्टर्स का विश्वास जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में बना रहे। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि किस उद्देश्यों के साथ जो है सेबी की स्थापना की गई है, क्या काम करने के लिए उनकी स्थापना की गई है। अब हम डिस्कशन करेंगे फंक्शंस ऑफ सेबी, यानी कि जो सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो किस तरह के कार्य करती है। तो जो फंक्शंस हैं, द फंक्शंस ऑफ सेबी, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। हम इसके फंक्शंस को तीन प्रकार के भागों में बांट सकते हैं स्टडी के पर्पज़ से, कि किस तरह से क्या क्या काम सेबी करती है। तो तीन तरह के फंक्शंस जो मेन होते हैं, तो पहला फंक्शन है मान लीजिए रेगुलेटरी फंक्शन, जिसको हिंदी में संचालनात्मक कार्य कहते हैं, यानी कि उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ जो सेबी के द्वारा की जाती हैं, ताकि एक जो उसका रेगुलर एक प्रोसीजर है, एक रेगुलर उसका जो फंक्शनिंग है उससे संबंधित जो काम वो क्या क्या करती है। टू रजिस्टर द ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर पर्सन वर्किंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो सब ब्रोकर्स हों या और दूसरे लोग हों जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उसमें काम करते हैं,
उन सभी का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है और ये रजिस्ट्रेशन करना सेबी का एक मुख्य कार्य है। तो टू रजिस्टर द म्यूचुअल फंड्स, तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स में, उन वो खुद म्यूचुअल फंड्स का जो है उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। तो बिना रजिस्टर किए हुए म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो पब्लिक से पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। देन टू कंडक्ट द इंक्वायरीज, ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो पीरियडिकली जो है स्टॉक एक्सचेंजेस का इंस्पेक्शन किया जाता है, किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनके अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है, तो जो भी ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनके खाते सही तरीके से बनाए जा रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मेंटेन की जा रही है नहीं की जा रही है, सब चीज़ की ऑडिटिंग की जाती है। उसके अलावा किसी तरह की कोई यदि कंट्रोवर्सी है, किसी प्रकार की कोई डाउट्स हैं या किसी तरह के कोई केसेस हैं या झगड़े हैं, उनको भी जो है उनके लिए इंक्वायरीज जो है वो कंडक्ट करती है। तो इस तरह से ये रेगुलर प्रोसीजर जो है उसके द्वारा किए जाते हैं। देन टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड द पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस एटसेट्रा, तो जो ब्रोकर्स के द्वारा किए जाने वाले काम हैं, अंडरराइटर्स के द्वारा किए जाने वाले काम हैं, या बैंकर्स या पोर्टफोलियो, तो जितने भी लोग हैं उनकी जो कार्य है, जो काम वो करते हैं, उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये भी सेबी का कार्य होता है। देन टू लिवाय फीस एंड अदर चार्जेस ऑन द डिफरेंट पार्टीज, तो जो अलग अलग पार्टीज होती हैं जैसे कि ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स या जो भी लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, उनसे फीस चार्ज करना या अदर जो चार्जेस होते हैं, दूसरे खर्चे होते हैं, वो लेना भी उसका एक काम है। देन टू एक्सरसाइज पावर अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और उसी प्रकार से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है, उसमें रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंतर्गत जो उसकी अधिकार उसको मिले हैं उनको इस्तेमाल करना, ये एक उसका जनरल प्रोसीजर है, एक जनरल डे टू डे एक्टिविटीज़ में आता है कि एक रेगुलर डेली बेसिस पर जो वो काम ये सब करती है। तो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन करती है, जो भी अलग अलग तरह के लोग हैं या फंड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन सबको बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो ये सबसे ज़रूरी फंक्शन हो गया इसका। तो एक तो फंक्शन हो गया इसका रेगुलेटरी फंक्शन, तो दूसरे टाइप का फंक्शन जो हो गया वो है डेवलपमेंटल फंक्शन, यानी कि विकासात्मक कार्य। तो जहाँ हम हैं वहीं पर तो हम नहीं रह सकते हैं, आगे निरंतर विकास करना जो है एक नियम है एक तरह से। और जो सेबी में पहले काम होता था या स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे पहले काम करती थी, ट्रांसपेरेंसी कम होती थी उनके अंदर, हर जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको होने में टाइम लगता था, कंपनी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी इन्वेस्टर्स को नहीं होती थी, तो किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती, तो इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो पहले फेस करनी पड़ती। तो धीरे धीरे जो है विकास किया स्टॉक एक्सचेंजेस ने और सेबी ने ऐसे रूल्स बनाए, ऐसी चीज़ें की जिससे कि धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंजेस का विकास हुआ। तो वो क्या काम करती है जिससे कि स्टॉक एक्सचेंजेस का विकास होता है? टू गिव ट्रेनिंग टू द इंटरमीडिएटरी सच एज ब्रोकर्स, एजेंट, बैंकर्स, मैनेजर्स, रजिस्ट्रार्स एटसेट्रा। तो जो अपडेट उनकी जो ट्रेनिंग है, लेटेस्ट ट्रेनिंग, जो भी नई तरीके हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को ऑपरेट करने के, उनके लिए उनको जो है जो भी उनमें जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं या मैनेजर्स हैं, जो भी हैं, सभी को ट्रेनिंग देना एक सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करें, इसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा टू कैरी आउट रिसर्च वर्क नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो स्टॉक एक्सचेंजेस को कार्य प्रणाली को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, जिसमें स्पीड से काम होता है और जिसमें अच्छी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, इसके लिए जो है हमेशा नित नए रिसर्चेज जो है वो सेबी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को जो है सुविधाएँ दे सकें और कंपनीज भी को भी आसानी हो कि वहाँ से वो अपने लिए कैपिटल का जो है प्रबंध कर सकें। देन टू पब्लिश डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डिफरेंट पार्टीज, तो उसके अलावा जो रेगुलर बेसिस पर पीरियडिकल्स वगैरह में वो डाटा पब्लिश करती हैं या इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती हैं, जिससे कि डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं, डिफरेंट जो लोग हैं, उनको जो है स्टॉक एक्सचेंजेस की सूचनाएँ मिलती रहीं। जैसे हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि डेली बेसिस पर कि किस तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, वहाँ पर शेयर्स की क्या वैल्यू हो रही है, और जिस प्रकार की भी इन्फॉर्मेशन होती है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की जाती है। देन टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग करने के नए नए तरीके और जो है नए नए कार्य प्रणालियों का निरंतर विकास किया जाता है, जिससे कि कैपिटल मार्केट में और ज़्यादा सुविधापूर्वक तरीके से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगा सकें और कंपनीज जो है वो पैसा उनसे ले पाएँ। तो इस तरह से डे बाय डे इम्प्रूवमेंट के लिए जो है निरंतर प्रयासरत रहते हैं
से भी, ताकि और ज़्यादा विकास जितना होगा उतना ज़्यादा आसानी हमारे इन्वेस्टर्स को होगी। देन प्रोटेक्टिव फंक्शंस, तो तीसरे प्रकार का जो फंक्शन होता है संरक्षात्मक कार्य जो किसको कहा जाता है, संरक्षण देना यानी कि प्रोटेक्ट करना। तो उनके प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जो सेबी है वो रेगुलेटरी यानी कि जो रोज़मर्रा के वो काम करती है डे टू डे बेसिस पर, और डेवलपमेंटल है जो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो काम करती है, और प्रोटेक्टिव है जो कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है वो क्या काम करती है, मेकिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर शेयर मार्केट सो दैट ट्रेडिंग कैन बी डन इन अ फेयर मैनर। तो शेयर मार्केट के लिए रूल रेगुलेशंस जो है वो बनाए जाते हैं सभी लोगों के लिए, ब्रोकर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंपनीज़ के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, सभी लोगों को नियमों का पालन करना होता है, और जो भी यदि नहीं करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और वो शेयर मार्केट में काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सेबी जो है वो बनाती है और सभी को उसका पालन करना ज़रूरी होता है। ओके, टू कीप चेक ऑन द इनसाइड ट्रेडिंग, इनसाइड ट्रेडिंग जैसे कि हमने अभी बात की थी, दैट कैन बी डन बाय द पर्सन्स हैविंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना, अंदरूनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कोई भी इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग ना कर पाए कंपनी, इसका ध्यान रखा जाता है। देन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के हितों को रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये सब भी सेबी की जिम्मेदारी है। देन टू गिव मार्केट एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स सो दैट ही कैन बिकम अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द फ्रॉड्स। तो अपने इन्वेस्टर्स को जो है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दूर दूर फैले हुए होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होती है, तो कोई भी पैसा मार्केट में लगा सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, तो उनको जो है प्रॉपर गाइड करना, उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उनको सचेत करना, ये भी सेबी का ही काम है। तो इस तरह के सभी काम करके वो अपने इन्वेस्टर्स को जो है किसी भी तरह के फ्रॉड्स और चीटिंग से बचा सकती है। तो ये जो तीन प्रकार के काम थे जो सेबी अपने जो इसके फंक्शंस हैं, जिनके तीन ब्रॉड कैटेगरीज में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था वो टोटली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर था, और स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए जो भी फंक्शंस हैं या सेबी के फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया। तो आशा है आपको बहुत आसानी से और अच्छे से आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।